वाराणसी से हैं। काशी हिंदू विवि में आयुर्वेद संकाय में पीजी की सीटों को बढ़ाने के लिए बीएएमएस के छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों का यह भी कहना है कि फाइनल ईयर के 8 छात्रों को प्रदर्शन के दौरान डेंगू भी हो चुका है, हालांकि वे अब ठीक हो चुके हैं, मगर छात्रों का हौसला फिर भी कम नहीं हुआ है। वह अपना प्रदर्शन आगे भी जारी रखेंगे। चिकित्सा विज्ञान संस्था बीएचयू स्थित आयुर्वेद संकाय में अधिक शिक्षकों की नियुक्ति को आधार मानते हुए पीजी की सीटें बढ़ाने की मांग के लिए छात्र छात्राओं का आंदोलन तेज हो गया है। कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, इसके कारण अधिकारियों के माथे पर बल आ गया है। इससे पहले छात्रों ने ओपीडी बंद करवा कर प्रदर्शन किया था। छात्रों ने कहा था कि सर सुंदरलाल चिकित्सालय के आयुर्वेद विंग का ताला बंद किया गया है। आयुर्वेद के यूजी छात्रों का कहना है कि चिकित्सा विज्ञान संस्था के आयुर्वेद संकाय में शिक्षकों की नियुक्ति को करीब 120 की जा चुकी है, लेकिन इसके अनुपात में पीजीओ छात्रों की सीटें नहीं बढ़ाई गईं। यही कारण है कि आयुर्वेद संकाय के छात्र कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर हैं। एक बार तो छात्र छात्राओं ने सिंह द्वार तक कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि आयुर्वेद संकाय में पीजी की सीटें मात्र 48 हैं, जबकि शिक्षकों की संख्या 120 से अधिक है। उनका यह भी कहना है कि एक शिक्षक पर 3 पीजी छात्र रहने चाहिए, लेकिन पीजी सीटें बहुत कम हैं। अब पीजी सीटें 50 और बढ़ाने के लिए छात्र कुलपति आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने चेताया है कि प्रशासन को हर हाल में उनकी मांगें पूरी करनी होगी, अन्यथा किसी स्थिति में आंदोलन को और उग्र किया जा सकता है। और लगातार हमारी एक ही मांग थी कि रजिस्ट्रेशन कराया जाए। अब तो 31 तारीख को डेट भी चली गई और अभी तक रजिस्ट्रेशन किया नहीं गया है। हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने केवल एक ही काम किया है कि हमारे खिलाफ जितनी कार्रवाइयाँ करनी थी की गई हैं, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने थे लिए जा रहे हैं और आगे भी लिए जाने की धमकियाँ दी जा रही हैं। ठीक है, तो या तो अब हम धरने से उठ के बैठ जाएँ डर के, जो हम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने जो मुद्दा उठाया था, जो मांग उठाई थी, पिछले 26 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ सर्दी पड़ने लग रही है, रात में लोग हम यहाँ रुकते हैं और हमें सारी तकलीफ उठानी पड़ रही है। तो अब डेट चली गई है, अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम रिले हंगर पे गए हैं। ठीक है, और ये भी तब तक चलेगा जब तक कि मांगे ये लोग माने ना, क्योंकि हमारे आदरणीय डीन सर ने कहा था कि आप लोग उठ जाइए, अगर डेट ख़त्म हो जाती है, जो विंडो क्लोज होने का डेट था 31 अक्टूबर, वो ख़त्म हो जाती है, तब उसके बाद भी मैं जो है ओपन करवा के रजिस्ट्रेशन करवा लूँगा। तो अब हम उसी उम्मीद में बैठे हैं कि सर अपनी तरफ से काम करें और विंडो ओपन करवाएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं। अभी कुछ फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए, उनका भी अभी यही कहना है कि आप लोग उठ जाइए। मतलब शुरू से लेकर अंत तक हमसे बस यही रिक्वेस्ट गई कि हम उठ जाएं, कोई और कार्य नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन को जो कार्य करना चाहिए रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो नहीं हुआ है। हमारी पूरी फैकल्टी फैल रही है और आगे का प्रशासन तो फैल रहा ही है। और हमारे बीच में से 6 लोग जो हैं आज भूख हड़ताल पर हैं, इसलिए हैं क्योंकि पिछले 26 दिनों से हम बैठे हुए हैं और हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है उस तरीके से जिस तरीके से सुनना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा है आगे बढ़ता हुआ। इसीलिए हम कुछ अपने धरने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अलग करना चाहे, तो हमने ये चुना कि हम भूख हड़ताल करते हैं। और शायद हमारे टीचर्स आए हैं हमसे बात करने के लिए। और पिछले 26 दिनों से यही आप लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है जी हटने के लिए, क्या अभी तक ऐसा भी कुछ हुआ कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं उसके लिए कुछ कार्य किया जा रहा है? 26 दिनों में अभी तक कोई ऐसा कार्य। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।